2020 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सौगात दिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पे। डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की नेतृत्व में बनी हुई कमेटी ने अपना मसौदा प्रधानमंत्री जी को दिया और प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया। उसकी ये तीसरी इम्प्लीमेंटेशन साल है। कोरोना के कारण उसमें कई सारा विषय की नेचुरल विलम्ब हो गई थी। धीरे धीरे NEP की सारे अमृत समाज को मिलना शुरू हो गया है। आज उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण काम हुई है जो स्कूली शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाउंडेशनल एज की यानी पहला 5 साल की जो कैरिकुलम होना चाहिए उसकी एक्सपर्ट कमेटी ने हमको उस मसौदा तैयार करके आज दे दिया। उसको NCERT को दिया गया है। NCERT उसको अभी सारे SCERT उसको सार्वजनिक भी कर देगा। जो निजी लोग हैं जिसमें उस करिकुलम को दिखते हुए अपना विचार सुझाव भी देंगे, उससे आगे सिलेबस राज्यों ने बनाना है, NCERT भी बनाएगी, फिर पाठ्य पुस्तक भी बन जाएगी। और हमारी लक्ष्य है अगले सरस्वती पूजा की समय में ही देश में फाउंडेशनल फेज के लिए यानी बाल वाटिका 1 2 3 जो इस NEP की सबसे एक प्रमुख रिकमेंडेशन है, क्योंकि 80% बच्चे की मन बन जाता है, बुद्धि बन जाता है आयु 6-7 साल तक। उसी समय की जो फाउंडेशनल कोर्स बनी है, फेज बनी है, उसी की भी क्लास बाल वाटिका भी शुरू हो गई। आज देश में केंद्रीय विद्यालय ने 50 जगह पे एक पायलट मोड पे शुरू कर दिया है। इसीलिए अभी नया टेक्स्ट बुक बनाना और बाल वाटिका को देश भर में स्प्रेड करने में आज एक बेंचमार्क डेट है। और जैसे हमने सरस्वती पूजा कहा है कि बाल वाटिका देश भर में सभी राज्यों में बड़े पैमाने में अगले शिक्षा सत्र से शुरू हो जाए, इसलिए आज एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज देश को इसको समर्पित होते हुए दोनों एक्सपर्ट ग्रुप और NCERT के बीच में मैं साक्षी बना। बहुत अच्छा दिन।